बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो फीडबैक आई पिछले व्लॉग के बाद और जो मेरे मुख्तलिफ भाइयों से बात हुई और मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में गुड ऑफिसेज़ रिलेटिंग टू कॉटन में मेरी बात हुई जो अहम लोग थे। हर आदमी खुश ज़रूर है कि एक एफ़र्ट हो रही है और एक आवाज़ दी जा रही है। आज जितने भी आप व्लॉग उठा लें वो सब करंट अफेयर्स के ऊपर हैं, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर हैं, कोई प्रोपेगेंडा के ऊपर हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई आदमी नहीं बोल रहा। मैंने एक बड़ी ओपन ऑफर दी थी अपने सारे भाइयों को कि जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप लोग तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं मुझसे और ज़्यादा तजर्बा भी रखते हैं, तो आप लोग भी करें, आप लोग भी आवाज़ उठाएँ। मुझे बहुत से लोगों ने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। आज का व्लॉग मोटिवेशनल व्लॉग है जी। मैंने जनरली जो चीज़ देखी है वो है डिसअपॉइंटमेंट, नाउमीदी। हम लोगों में बहुत ज़्यादा नाउमीदी है, पता नहीं क्यों। हम लोग खुदा को भूल चुके हैं और कोई तवज्जो हमारी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी, अगर हम 72 साल में इस पूरी ट्रेड को तबाह कर सकते हैं तो हम इंशाल्लाह अगले 72 महीने में इसको उठा भी सकते हैं। जिन्होंने जो कुछ किया वो किया, लेकिन अब अगर हम अपनी क़ुव्वत को आज पहचान जाएँ तो आप यकीन कीजिए कि ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो बात आई है वो बात जनरली यही है कि जी आगे क्या होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप, एक बड़ा अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि जी 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, कि अगर आप पहला कदम ही नहीं लेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। पहला कदम तो हमारे बहुत सारे लोग ले चुके हैं, हम तो काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। हमारे यहाँ लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इस इंडिविजुअल एफर्ट को इकट्ठा कीजिए, यूनिटी लेके आइए। कुछ ब्रोकर हजरात कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ जिनर्स कर रहे हैं, कुछ एप्टमा साइड से भी हो रही है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट नहीं आ रही। शायद कोई इंडिविजुअल अपनी ज़ात को उठाने के लिए कर रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। दिस इज़ अ टीम गेम। एक, अगर हम इसको टीम गेम के तौर पे नहीं खेलेंगे ना तो आप यकीन कीजिए जो जितनी मर्ज़ी कोशिश करता रहेगा एट द एंड ऑफ डे वो फेलियर है, वो ज़ीरो है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी। आजकल मैं एक डिस्कशन देखता हूँ, ये मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि जो लोग नहीं, एक जो पैनल कामयाब नहीं हो सका इस दफ़ा, सब दोस्त हैं मेरे, सब भाई हैं, नाराज़ इसमें मत होइएगा। तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो किसी तरीके से डॉक्टर जेसुमल की बुराइयां करें, उसकी वीकनेसेस को उजागर करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने यानी कि सितंबर तक रहना है, तो बजाय इसके कि हम उनकी बुराइयां या उनकी वीकनेसेस को उजागर करें तो हम उनकी खूबियों को क्यों ना इस्तेमाल करें। उनकी हम कॉम्पिटेंसी जो उनको अल्लाह ताला ने वदियत की हुई है उसको क्यों ना हम आगे लेके चलें, उसे क्यों ना यूटिलाइज़ करें। इस वक्त अगर हम इस काम में लग गए, सितंबर तक हमने ये टाइम गुजार दिया तो एक सीज़न अगला ख़त्म है और अगले 2 से 3 या 4 साल के बाद ये काम भी ख़त्म है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, मेरी बार बार आप सबसे गुजारिश है कि हमें इस वक्त यूनाइट होना है। मैं सिर्फ़ उन सारे मायूस लोगों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि इतने मायूस तो हालात नहीं, इतने मायूस तो हालात नहीं, लोग किस वास्ते घबराए हुए हैं। किस लिए घबरा रहे हो भाई? अपनी क़ुव्वत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आइए इस मूवमेंट का साथ बने। मुझे एक इनपुट आया कि आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो जिनर्स जिनको हम देखते हैं जिन्होंने जिनिंग की है, बेसिकली कौन लोग हैं? ये आड़ती हैं, ये पेस्टिसाइड भी बेचते हैं, ये फुटी भी ख़रीदते हैं, ये जिनिंग भी करते हैं, ये बनोला भी बेचते हैं और कहीं ना कहीं पर अपना पर्ता बना रहे हैं। कल क्या होगा? चलो आज तो आपने पर्ता बना लिया, आज आपने कुछ ना कुछ इस साल में कमा भी लिया, कल और कम हो गया, परसों और कम हो गया। फार्मर्स किसी और साइड पे चले गए, उन्होंने कुछ और कैश क्रॉप लगा लिया। कोई इस वक्त मिर्चें लगा रहा है, कोई इस वक्त कोकम्बर लगा रहा है, कोई इस वक्त धान की तरफ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कपास की तरफ तो कोई सोचता ही नहीं है। सोइंग आने वाली है। किसी कुछ सोचा आपने सब लोगों ने मिल कि जी इंडिविजुअल एफर्ट क्या है PCGA लेवल के ऊपर? एक अर्ज़ करूँ आपको, एक क्लर्क उठता है, LHVs उठते हैं, टीचर्स उठते हैं, ये कौन लोग हैं? सरमायादार तो लोग नहीं है, सरमायादार तो आप लोग हैं। ये सरमायादार लोग तो नहीं है, ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन जब ये यूनाइट होते हैं और इस्लामाबाद के डी चौक में जमा होते हैं तो ये फिर अपने मुतालबात मनवा के हटते हैं। आप लोग क्यों नहीं कर रहे सब लोग? हम सब क्यों नहीं कर रहे ये सब कुछ? क्या हर काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है? मुझे समझ नहीं आती। जहाज़ का वाक़या होता है, लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दे रहे हैं। ब्रॉडशील्ड का वाक़या होता है, लोग प्राइम मिनिस्टर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। लोग मच का वाक़या होता है, लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो इदारे कहाँ हैं? वजह ये कि इदारे किधर हैं? जो लोग इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं कि एक आदमी ने 22 करोड़ लोगों का ठेका लिया हुआ है, उसका अपना एक काम है। अगर इदारे को हमने रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, मेरी इदारों के हेड से बात हुई है, मुझे PCSI में भी बात हुई है, मेरी कॉटन रिसर्च वालों से भी बात हुई है, मेरे और लोगों से भी बात हुई है। हर आदमी कहता है रेड टेपिज़म, रेड टेपिज़म, रेड टेपिज़म। क्या इस्लामाबाद काम नहीं कर रहा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, कांग्रेस ने काम नहीं किया। और भाई क्यों नहीं कर रही? तो तुम क्या कर रहे हो? किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? तुम लोगों की गलतियाँ क्या ये आज से नहीं कर रही? तुम लोगों की गलती यही इदारा था ना जिसने MNH बनाया था, जिसने वो सीट दिया था जो कमाल का सीट था। अब वो लोग किधर हैं इस वक्त? PCSI में अगली जनरेशन लेने वाली कोई नहीं है। कौन लेगा आगे? आगे 2-3 साल के बाद सारे जो पुराने लोग हैं ख़त्म हो जाएंगे, उन नए लोगों को पता ही कुछ नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूँ जी क्वालिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। भाई क्वालिटी का बेड़ा गर्क तो हम ही लोगों ने किया ना। पैसे कमाने के चक्कर में हम पानी के पैसे भी लेते हैं, हम ट्रैश के पैसे भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम कहते हैं जी हमारा बायर हमें क्वालिटी के पैसे नहीं देता। आपने ग्रेडिंग सिस्टम क्यों ख़त्म कर दिया? फिर सुपर ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बनाते ना, ग्रेडिंग के पैसे मिलते हैं आपको। 2 या 3% ट्रैश का माल बनाते। पूरी दुनिया से 2 या 3% का माल मिलता है ट्रैश वाला। आप बना सकते हैं, आप बनाते नहीं हैं। क्यों? आपने ग्रेडिंग ख़त्म कर दी ना। और जो बनाते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको लोग देते हैं पैसे, उनको क्वालिटी के मुताबिक पैसा मिलता है। ये नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता। आप लोअर सिंध में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वो कहते हैं हमें पानी के पैसे भी आप दें। हर चीज़ का बेड़ा गर्क हमने किया। PCGA 1958 में बनता है, कहाँ है उसके रेट? कोई लोग उसकी बात मानते ही नहीं है। वो एक शो पीसा एक इदारा बन के रह गया। पिछले साल कोई रिट नहीं थी PCGA की। लोगों ने हड़ताल की टैक्सेशन के ऊपर। एक दिन की हड़ताल के बाद लोअर सिंध से वो सीज़न स्टार्ट हुआ था, उन दिनों में उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल दी। क्वालिटी का बेड़ा गर्क तो हम खुद करते हैं। हमने एक तमगा लेना है, हमने एक ट्रॉफी लेनी है, सबसे पहले फैक्ट्री चला के। जब सिर्फ 5% क्रॉप आती है, क्रॉप का एक क्रशिंग सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है? 30 to 40% जब गन्ना आ जाता है, 50% गन्ना आता है, फिर क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होता है। हमारी 5% क्रॉप नहीं आती और हम फैक्ट्रियाँ चला देते हैं। उस वक्त क्या होता है कि जी डिमांड एंड सप्लाई का इशू हो जाता है। क्वालिटी हफ्ते बाद फैक्ट्री बंद। क्यों चलाते हैं हम फैक्ट्री? क्यों नहीं हम एक सीज़न का टाइम खुद से डिसाइड कर लेते? PCGA टाइम दे, इससे पहले सिंध में नहीं चलेगी, इससे पहले पंजाब में नहीं चलेगी। ज़बरदस्त क्वालिटी बनेगी, उस क्वालिटी के पैसे आपको मिलेंगे। नहीं करते हम लोग ये बात। हमने जी स्टेशन पर सबसे पहले फैक्ट्री चलानी है, भले दूसरे दिन बंद हो जाए, तीसरे दिन बंद हो जाए, नहीं चलानी है। हम अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। ये आसमानों से बर्बादी नहीं आ रही, हम खुद ही इस चीज़ के ऊपर हम तुले हुए हैं कि हमने अपने आप को बर्बाद करना है। मैंने पिछले व्लॉग में 4 आप लोगों को गुजारिशात की थी और ये चारों पॉसिबल है। मैंने गौहर एजाज़ साहब को भी अपना ये व्लॉग्स भेजे, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। डॉक्टर जयसुमल से मैंने बात की, गालिबा उनकी भी गौहर एजाज़ साहब से बात नहीं है, जो मेन स्टेक होल्डर है डॉक्टर PCGA। वो लोग कॉटन टास्क फोर्स वाले, अभी तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया मेरी इन्फॉर्मेशन की हद तक। तो ये बात है। नसीम उस्मान साहब भी बात कह रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश है गौहर एजाज़ साहब से, आप अगर कुछ कर रहे हैं या किसी स्टेज पर पहुँच गए हैं तो हमें प्लीज़ आप बताइए और हमें हौसला दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे दुश्मन चाहते हैं हम वही कुछ कर रहे हैं। नाउमीदी, वो हम चाहते हैं कि ये कौम नाउमीद हो जाए। अपने आप पे यकीन कीजिए, हम आज भी स्टेट को संभाल सकते हैं। इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ पैदा हुआ। अगर आज 55 लाख बेल पैदा कर सकते हैं तो हम दोबारा 80 लाख पे भी जा सकते हैं, 1 करोड़ पे भी जा सकते हैं, उससे प्लस भी जा सकते हैं। और उम्मीद है कि अगले साल इंशाल्लाह कुछ बेहतरी होगी। इस साल फार्मर को अच्छा पैसा मिला है। तो मेरी सब भाइयों से ये गुजारिश है, अपनी क़ुव्वत पहचाने। इकबाल कहते हैं अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आप एक फ़र्द हैं। और आपके हाथ में मिल्लत, कौम की ताकत आपके हाथ में है। आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारी वो मिसाल है, हर काम गवर्नमेंट, हम 2 करोड़ का घर बना लेते हैं, हम बाहर 1 लाख की गली नहीं बनवाते, गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती। हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुई है, यहाँ पे जितनी इनकॉम्पिटेंसी है, जितनी करप्शन है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सालों से ये बात चल रही है, दहाइयों से ये बात चलती आ रही है। और आज चूँकि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें हमारे पास बहुत तेज़ी से पहुँच जाती हैं, हम कहते हैं जी आज ही गवर्नमेंट इस बात के रिस्पॉन्सिबल है। नहीं भाई, ये वो लोग हैं जो काम करने के आदी नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बनेगा। आमिर जाकिर साहब ने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ हमाद अजहर साहब से, और हम सब लेके जाएंगे PCGA प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। कितनी ज़बरदस्त बात है, हर आदमी अपनी क़ुव्वत को PCGA की क़ुव्वत के साथ मिलाए और उसको लेके चले। मेरी उन सबसे गुजारिश हैं जो इस धड़े, जो आजकल इस वक्त PCGA के चेयरमैन है या जो पैनल चेयर इस वक्त इन चेयर है, उनकी मदद कीजिए, अपने डिफ्रेंसेस साइड पर रखिए। यह सीज़न गुजर गया, आपके टैक्सेशन का जो इशू था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 95% जिनर जो है अपने रिटर्न्स भर चुके हैं, जबकि PCGA के चेयरमैन ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ना भरें, हम गवर्नमेंट से बात करें। आपका डिसीजन है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं बहुत छोटा हूँ, शायद मेरी इस बात से आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को माथे पे बल भी आ जाएगा, ये कौन है बात करने वाला। मेरी गुजारिश ये है कि ट्रस्ट करें, 6 माह पड़े हैं, 2 माह के बाद सोइंग सिंध की है, फिर उसकी है, इसके ऊपर फोकस करें इस वक्त, अगले सीज़न के ऊपर। मेरी आप सबसे गुजारिश है। मैं तो बात करता रहूँगा, मैं तो, वो कहते हैं ना मुझे है हुक्म आज़ां, ये मैं बात करता रहूँगा, मैं अपने भाइयों को बोलता रहूँगा, मैं जगाता रहूँगा। एक और बहुत ज़रूरी बात है, इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, आपके बुज़ुर्गों ने ये किया, आपने आगे इसको कंटिन्यू किया, क्या आप नई नस्ल को ये नहीं देना चाहते? इतना ये क्या प्रोफेशन है जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। एक डॉक्टर चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, एक वकील चाहता है उसका बेटा वकील बने, एक प्रोफेसर चाहता है उसका बेटा नेक नामवर हो बने, एक पॉलिटिशियन चाहता है उसका बेटा पॉलिटिशियन बने। आप क्या चाहते हैं? कोई और प्रोफेशन आपकी नई नस्ल ढूंढे, कोई और काम देखें। इस काम को आपकी बुज़ुर्गों ने किया, इस काम को आपने किया, और इस काम को आप उम्मीद वासिक रखें कि आपकी नई नस्ल भी करे। ये आपकी हिम्मत और आपका फ़ैसला है, हम आपके फ़ैसले के साथ खड़े हैं। आखिर में सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा आप सबके लिए, और मेरी फर्दन भी बात होती है लोगों से, मैं, मेरे ब्रोकर्स भाई भी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे फ़ौजी भाई भी जो मेरे कोर्समेट्स हैं, मेरे जूनियर हैं, कुछ सीनियर्स हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका डायरेक्ट कंसर्न नहीं है इसे, डायरेक्ट कंसर्न वो लोग हैं जो इस ट्रेड में हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो जिनर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, और आगे बहुत सारे आड़ती हैं, ये वो लोग जो डायरेक्ट कंसर्न वाले हैं। अपनी कुव्वत से पहचानिए, हमें बोलना होगा, हम नहीं बोलेंगे, हमें अपने हल्क से आवाज़ निकालनी पड़ेगी, हम नहीं बोलेंगे लोग नहीं सुनेंगे। हमें, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, एक छोटा आदमी उठता है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन उठती है, वो जाके अपना हक लेती है। हमें कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स अब सोचना पड़ेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इंशाल्लाह देखिएगा, वक्त आएगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।